नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी सिंगापुर के लिए रिक्वायरमेंट है और ये एसपास वीजा के लिए रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट लार्ज फूड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। पोजीशन रहेगी जनरल वर्कर कम सुपरवाइजर, मतलब इसमें सुपरवाइजर और जनरल वर्कर दोनों एक साथ काम करना पड़ेगा। एक ही जो रोल रहेगा, एक ही बंदे को सारा काम करना पड़ेगा, एज अ वर्कर का भी और सुपरवाइजर का भी काम करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीजा कैटेगरी एस पास वीजा रहेगा। सैलरी होगी 3200 से लेकर 3500 सिंगापुर डॉलर, मतलब 3200 से लेकर 3500 सिंगापुर डॉलर सैलरी होगी इसमें। एज रहेगी 27 साल मैक्सिमम, मतलब 27 से कम एज के लोग होना चाहिए। इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। इंटरव्यू होगा, इंग्लिश में क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू ड्यूटी रहेगी 12 घंटे पर डे ड्यूटी रहेगी। एक महीने में 4 वीकली ऑफ रहेंगे और इसमें से फूड फैक्ट्री में उनको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कटिंग मैचिंग कैरिंग ये सारा काम उनको आना चाहिए। जो भी इसमें जो कट मीट मीन्स मीट कटिंग का उनको काम आना चाहिए। जो मीट फैक्ट्री में जिसने काम किया होगा वो इसमें काम कर सकता है, और खासतौर से सी फूड फैक्ट्री सी फूड सेक्टर की कंपनीज में जिन्होंने काम किया होगा वो इसमें काम कर सकते हैं। कैंडिडेट को कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर वगैरह, उस पर डेटा एंट्री वगैरह वो सब उनको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। जो कंप्यूटर पर अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं वो सारा काम उनको आना चाहिए। बेसिक मीन्स इंग्लिश अच्छी आना चाहिए, अपने फील्ड का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज कंपलसरी होगा। और इसमें ऑब्वियसली जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं और चीज़ों को सुपरवाइज कर सकते हैं, काम को प्लान कर सकते हैं, वो लोग इसमें फिट हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें जो एनुअल लीव और सिक लीव भी गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से मिलने वाली है। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। इसमें कोई भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 27 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो, और कोई भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, उनको फूड इंडस्ट्री में खासतौर से सी फूड इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो लोग भी इस फील्ड में काम करेंगे तो उनको उसके बारे में पूरा डिटेल में पता होगा, क्या क्या काम कैसे करना है, क्लीनली मेंटेन करना है, ये सारा काम उनको आना चाहिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है, 15 से 20 दिन के अंदर प्रोसेस होने के चांसेस होते हैं। इंटरव्यू लाइनअप होता है, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, अगर आपको एम्प्लॉयर ने सेलेक्ट कर लिया तो वीजा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करके भेजेंगे। आपको वर्किंग वीडियो भी देना पड़ेगा, वर्किंग वीडियो जो भी काम के कर रहे हैं उसका वर्किंग वीडियो रहेगा, उसके बेस पे क्लाइंट सेलेक्ट करता है या फिर इंटरव्यू के बेस पे सेलेक्ट करता है। दोनों चीजों के ऊपर पॉसिबिलिटी होती है। पहली कोशिश होती है कि वीडियो के माध्यम से सिलेक्ट करें। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एसपास कैटेगरी के वीजा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम कोटा निकलता है, अभी ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें इंडिया के हर एक स्टेट के लोग, चाहे वो यूपी पर बंगाल हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं के भी लोग हैं, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट कैसे लगी है, जॉब कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।